जय हिंद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉलिंग मार्क क्या होता है, एफएम जिसको एफएम बोलते हैं, और स्टेशन पर आने के बाद ट्रेन आगे और पीछे क्यों होता है। जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो मेन लाइन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन जब स्टेशन पर ट्रेन आती है तो लूप लाइन के थ्रू जाता है। लूप लाइन कई तरह, जैसे कि यहाँ ये एक लूप लाइन है और यहाँ प्लान पे हम आराम से चल सके, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जिस ट्रेन आने के बाद हम लोग इससे चलते हैं। मेन लाइन को छोड़कर लूप एरिया, सारे लूप एरिया को हम लोग कहते हैं स्टेशन सेक्शन बोलते हैं जाता है। इसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक सेक्शन। ये जो है लूप सेक्शन सारे स्टेशन सेक्शन के तहत आते हैं, ये सारे ऑपरेट स्टेशन मास्टर करते हैं, इसको स्टेशन का ऑपरेटर। मेन लाइन जो चला जाता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक सेक्शन कहता है। इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर को पता होता है, ना कि स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर का काम है ये ऑफ लूप तक ही, जितना सारा लूप है ये लूप का काम है। ये कंट्रोलर क्या करता है, मेन लाइन के थ्रू लेकर के आता है और स्टेशन मास्टर को यहाँ पर सौंप देता है, हैंड ओवर कर देता है। स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर करने के बाद स्टेशन मास्टर वो अपने पॉइंट से, वो अपने लूप के अनुसार, जिस लूप पे अगर खाली रहता है उस पे इंडिकेट करके यहाँ पहुंचा देता है। इसमें एक खतरा है, देखिए अगर मेन लाइन से कोई ट्रेन आ रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से आने के बाद लूप लाइन में आ गया, लूप लाइन में आने के बाद ये अगर ट्रेन लंबा है तो कहीं ना कहीं अगर पिछला गार्ड का बोगी मेन लाइन पे ही अटक गया, उसके बाद और जितना बोगी है सारे बोगी लूप लाइन में आ गया, तो ये क्या करता है, अगर दूसरा ट्रेन की स्टेशन में स्टॉपेज नहीं है तो वो क्या करता है, यहाँ से इसके जाएगा और इसको थूर के चला जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इस दुर्घटना से बचने के लिए इसका उपाय गार्ड को सौंप दिया जाता है। यह है कि कोई भी ट्रेन अगर आए तो ये प्रॉपरली लूप लाइन में आ जाए, ना कि ये स्टेशन मेन लाइन में कोई भी बोगी रह सके। तो गार्ड को कैसे पता चलेगा कि हम पूरे लूप लाइन में एंट्री कर चुके हैं कि नहीं, तो उसके लिए क्या करता है गार्ड, वहां पर ये लूप लाइन की जैसी पार करने के बाद यहाँ पर FM फॉलिंग मार्क लिखा हुआ रहता है। फॉलिंग मार्क जब गार्ड उतर के देखता है, जब ट्रेन आती है लूप लाइन में, उसके बाद ड्राइवर उसको बोलता है कि देखो लूप लाइन के अंदर में है कि नहीं, मेन लाइन पे तो कहीं नहीं है, तो उसका गार्ड उतर करके देखता है इस बोर्ड को कि फॉलिंग लाइन के अंदर है या बाहर। जैसे ही वो देखता है कि फॉलिंग लाइन के बाहर है यानी मेन लाइन के पास में है, तो अगर कोई मेन लाइन के ऊपर रहेगा तो यहाँ से थूर के उसको चला जाएगा, तो ये क्या करता है, फट से उतर के बोलता है ड्राइवर को, फट से बोलता है कि चल ससुरा जल्दी चल, पीछे से अगर थूर ही चल जाए तो ये जरूरी है कि गार्ड का डब्बा हमेशा FM के अंदर ही होना चाहिए। गार्ड का डब्बा अगर FM के बाहर है यानी मेन लाइन पे है तो ससुरा समझ जाओ कि ये कोई ना कोई थूर के चल जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि ड्राइवर जो है मेन लाइन के आने के बाद लूप लाइन में जैसे ही आता है वो बीच में ही रोक देता है, तो क्या होता है बीच में रोक देने के बाद पैसेंजर लोग उस पे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है तो पैसेंजर लोग जब बैठने लगते हैं तो आधा ही बैठते हैं, तो क्या करता है गार्ड इसको उतर के देखता है कि FM कहाँ है, FM के ये अंदर है तो गार्ड फट से बोलता है ड्राइवर को कि चल ससुआ आगे चल जल्दी चल, न तो पीछे से आके कोई ठोक दे, तो ये क्या करता है फट से आगे करने लगता है, तो पैसेंजर जो यहाँ प्लेटफॉर्म वाला पैसेंजर होता है प्लेटफॉर्म का, तो वो क्या करता है अरे ससुरा ट्रेन तो खुल गई, हम लोग इसी को बोलते हैं फॉलिंग मार्क, इसी का नाम है फॉलिंग मार्क। ये स्टेशन के जस्ट सटे हुए रहता है। इसके बाद भारतीय रेलवे में रोशन का मतलब क्या होता है ये आपको समझाएंगे।